नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास स्प्लेंडर बाइक का एक क्लच कटोरा है। तो इसके आगे जो ये क्लच हाउसिंग लगी होती है, ये अक्सर यहाँ से कट जाती है, जहाँ पर ये क्लच प्लेट आगे पीछे मूव करती रहती है। तो अक्सर होता क्या है, जैसे कि बाइक कुछ पुरानी हो जाती है तो ये हाउसिंग यहाँ से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्युमिनियम का होता है, तो जिसके चलते यहाँ से कटना इसका लाजमी है। तो इसके चलते होता क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम, जब हम बाइक के अंदर क्लच दबाकर उसके अंदर गियर डालते हैं, तो यहाँ पर जो क्लच प्लेट होती है वो यहाँ से पूरी तरह से फ्री नहीं होती। तो ये कहने का मतलब, यहाँ से ये पूरी तरह से खुलती नहीं है, जिसके चलते जो बाइक के गियर होते हैं वो काफ़ी टाइट निकलते भी हैं और काफ़ी टाइट दोस्तों उसके अंदर डलते भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है। तो ये तो थी क्लच प्लेट के चलते अगर इसके गियर अटकते हैं, और ये यहाँ पर इसकी पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, जब हम देखिए यहाँ से इसको घिसा देते हैं, ठीक है, इसके घिसाने से होता क्या है, ये तो यहाँ से घिस जाता है, जैसे कि इसका पिछले वाला पार्ट है, तो यहाँ से इसका जो फेस है बिल्कुल हमने बराबर कर दिया एक रेती के साथ, तो यहाँ पर ये काफ़ी गैप जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि हम इसके अंदर गियर डालते हैं, तो जब भी हम इसके अंदर गियर डालते हैं और निकालते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ निकलेंगे भी और उसके अंदर डलेंगे भी, ये आपने याद रखना है। लेकिन यहीं से दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो शुरू हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, देखिए, चलिए हमने यहाँ से इसको बिल्कुल फेस को बराबर कर दिया, तो यहाँ से ये तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जब बाइक न्यूट्रल में खड़ी रहती है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका इंजन तो दोस्तों स्टार्ट रहता है, लेकिन जो ये क्लच हाउसिंग होती है ना, यहाँ पर काफ़ी गैप बन जाता है, जिसके चलते होता क्या है, जो ये खड़ा हुआ इंजन, तो ऐसे ही इससे खटखट की साउंड आती रहती है। आपने याद रखना है, जब आपकी बाइक न्यूट्रल में नॉर्मल खड़ी है तो उससे खटखट की साउंड आने लगती है, आपने याद रखना है, और जब हम क्लच को दबा लेते हैं तो वो खटखट की साउंड काफ़ी कम हो जाती है। तो उसका दूसरा रीज़न है, जब हम यहाँ पर इसको घिसा देते हैं तो ये दोस्तों काफ़ी यहाँ पर गैप बन जाता है, जिसके चलते जो काफ़ी जो इसकी क्लच प्लेट होती है उनको जो ना काफ़ी दोस्तों यहाँ पर गैप मिल जाता है, जिसके चलते वो आगे पीछे मूव करती रहती है, तो जिसके चलते ये खटखट यहाँ से करने लगता है। तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो ऐसा ज़्यादातर दोस्तों हीरो की ही बाइक में आता है, ना कि बजाज और ये TVS की बाइक में, तकरीबन TVS की बाइक में भी तो बहुत कम आता है, और बजाज की में तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जो उनके जो ये दोस्तों क्लच हाउसिंग होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, मजबूत होते हैं, और दूसरी बात, उनके अंदर ये डबल कट वाला हाउसिंग होता है। तो अब दोस्तों हमने करना क्या है, देखिए, ये जो क्लच हाउसिंग है इसके अंदर हमने दूसरा इसके अंदर डालना है। तो डाल तो देंगे दोस्तों, तो आपने जो है यहाँ पर थोड़ा एक बात को याद रखना है। देखिए, आपने जैसा भी आपको मार्केट में मिले, हीरो का, रिको का, या कोई दूसरी कंपनी का, कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ओरिजिनल ही डालें, जो भी आपको दोस्तों मार्केट में मिल जाए समय पर, ये नहीं दोस्तों आपको है कि आप दो चार दिन के लिए बाइक को खड़े करके रखेंगे और आपको जैसे ही ओरिजिनल मिलेगा वही डालेंगे, या कुछ बंदे दोस्तों यहाँ पर एक गलती जरूर कर देते हैं, कस्टमर का दोस्तों ज़्यादा ही फायदा करने के लिए वो पूरे के पूरे क्लच कटोरे को ही डाल देते हैं। तो ये पूरा क्लच कटोरा दोस्तों जो है ये 1050 रुपये इसकी लिस्ट है, तो भाई हम तो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, वो तो तभी ही डाला जाता है अगर ये क्लच कटोरा जो होता है, जब हम इसके अंदर GPD गियर डाल देते हैं और वो डालने पर भी इसकी साउंड बंद ना हो, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कूँ 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 की साउंड आने लगती है, तब दोस्तों हमें ये डालना पड़ता है, और डालेंगे भी बहुत कम इसको दोस्तों, हम पहले रिपेयर कराएंगे दोस्तों, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे हम इसको रिपेयर करा सकते हैं, कि साउंड को हम बंद कर सकते हैं दोस्तों, वो वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसको जो है हम जो ये क्लच रोटर होता है, जो बड़ा कटोरा है, इसको कैसे हम रिपेयर कराएं और इसकी कैसे साउंड को बंद करें, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास स्प्लेंडर प्रो यानी कि जो HF Deluxe है, उसका ये न्यू मॉडल का क्लच हाउसिंग है। तो यहाँ पर ये डबल दोस्तों कट वाला होता है, तो आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, देखिए ना, तो मेरे को उस वक्त जब मैं बाइक का इंजन कर रहा था, मेरे पास एक दिन बाइक खड़ी भी रही है, ना तो मेरे को हीरो का मिला ये क्लच हाउसिंग, और ना ही दोस्तों ये रिको कंपनी का होता है ये मिला। ये देखिए दोस्तों थोड़ा मीडियम कंपनी का है, मैं नाम तो आपको नहीं बताऊँगा, आपके मार्केट में ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इसके अंदर ये
इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल मैं क्यों करूंगा, इसका क्या फायदा है, अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। भाई वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, आप ना कमेंट में सवाल पूछने की आपको बहुत जल्दी रहती है। भाई आप वीडियो को पूरा देख लेना, आपको ना अपने सवालों का जवाब वीडियो के अंदर ही मिल जाता है। तो प्लीज कृपया है आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, तभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, जो बजाज की बाइक्स होती हैं उनके अंदर आपको ये डबल कट देखने को मिलते हैं, और जो उसके अंदर क्लच प्लेट होती है, चाहे वो चार वाली हो चाहे वो पाँच सेट वाली, तो यहाँ पर जो इसके अंदर तीन या चार होती हैं तो वो चौड़े हिस्से में चलेंगी, और जो बाकी इसके अंदर एक क्लच प्लेट होगी वो यहाँ पर छोटे कट वाले में यहाँ पर उसको हम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम सुबह सुबह बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ से वो बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री रहती हैं, जिसके चलते बाइक जो बजाज की बाइक्स होती हैं वो बहुत ही दोस्तों क्लच दबाने पर झटका मारती है। जैसे दोस्तों हम क्लच दबाते हैं और गियर को डालते हैं तो उनके अंदर बहुत ही ऐसी कम साउंड आती है ये झटका लगने वाली, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, हीरो ने जो है अब अपनी बाइक्स के अंदर ये सुधार किया है। तो पहले जो ये क्लच हाउसिंग था वो सिंगल वाला था, ये जल्दी कट जाता था, और जो उसके बाद हम ये डालेंगे, जैसे कि आप ये देखते हैं न्यू मॉडल्स में, तो अब तो सभी में दोस्तों ये डबल कट वाला ही आता है, तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी फ्रिक्शन फ्री रहती है ये क्लच प्लेट, और एक प्लेट ऊपर रहती है इस ऊपर वाले छोटे कट में, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी इसको सुधार किया गया है इस कटोरे के अंदर, इस क्लच हाउसिंग के अंदर, तो जिसके चलते वो साउंड जो है खटखट की बहुत कम आने लगती है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा दें, आपने जो यहाँ पर जो इसके अंदर रिपट लगी है इनको काट लेना है, और इससे पहले देखिए किसी भाई ने यहाँ पर ये रिपट तो काटी होंगी, यहाँ पर शायद इसके अंदर जो रबड़ होती है उसको डाला होगा, क्योंकि रबड़ भी कटी जाती है। ये 2003 मॉडल का कटोरा है भाई, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने इस बाइक का इंजन किया है, और इसके अंदर दोस्तों हमने उषा कंपनी की जो है सिलेंडर किट भी डाली है, और उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, और उसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, उषा की सिलेंडर किट है, और उसको बाद में आपको स्टार्ट भी करके दिखाया था। तो भाई आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी ये सन की मार्का है, जो यहाँ पर सन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2003 की है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्ले तो इसके अंदर नहीं है, तो इसके बाद हम इसको ये डाल देंगे। चलिए दोस्तों, ये आप जो है अपने ग्राइंडर से इसको काट लेना, लेकिन अब मैं खराद वाले के पास कुछ काम जा रहा हूँ, तो हम जो है दोस्तों वहाँ पर ही इसको ये रिप्ट जो होती है कटवा लेंगे। तो अब देखिए हमने कैसे इसको ये रिप्ट को कटवाना है, आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से भी काट सकते हैं। भाई ये काम तो मैं अपने आप करता हूँ, अपने आप ही इनको डालता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारे खराद वाले होते हैं या आपके खराद वाले हैं, कोई भी खराद वाला होता है, इसको जो है इस प्रकार से इसकी रिप्ट को काट देता है। तो ये जो रिप्ट होती हैं दोस्तों यहाँ से कट जाती हैं, और जिनके चलते जो ये रिप्ट होती है, बाकी यहाँ पर थोड़ा इनको हिट करते हैं और ये नीचे इनसे निकल जाती है। तो इस प्रकार से इस प्लेट को हमने अलग कर लिया, और बाद में अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर ये नई हाउसिंग को फिट करना है विद रबड़ के साथ। तो आपने जो है इसके हाउसिंग को अलग कर लेना है और इसको अच्छे से वाश कर लेना है। तो भाई अब हमने जो है इसको अच्छे से साफ कर लिया है, और इसको फिट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये इसमें रबड़ होती है, देखिए जब हम इस रबड़ को चेक करते हैं तो इसका जो नीचे वाला भाग होता है वो थोड़ा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा, और जो इसका ये ऊपर वाला भाग होता है ये आपको कम नीड़ा देखने को मिलेगा। तो आपने इसके चौड़े भाग को नीचे इसको पहले लगा देना है, ताकि ऊपर से ये जो बड़ी गरारी होती है, क्लच रोटर होता है, ये अच्छे से इसमें फिट हो जाए। तो अब आपने किस प्रकार से इसको फिट करना है अभी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, जो इसका ये रूटर है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे हम इस रूटर को रिपेयर करा सकते हैं और इसकी साउंड को बंद कर सकते हैं बिना नए रूटर को इसके अंदर डाले। तो आपने याद रखना है दोस्तों, वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इन रिप्टों को इसके अंदर डाल लेना है, ये प्लेट ऊपर रख के, और आपके पास जो लाइन होती है इसके नीचे आपने एक बड़ी जो क्रैंक की पिन होती है उसको रख लेना है, और इन रिप्टों को आपने नीचे से डालना है और ऊपर इनको थोड़ा थोड़ा हीट कर लेना है। सभी रिप्टों को दोस्तों आप इस प्रकार से हीट करेंगे, और बाद में इनको अच्छे से इनको आपने डांच कर देना है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये क्लच हाउसिंग होता है और ये कटोरा होता है, अच्छे से यहाँ पर इसके रिप्टों के साथ फिट हो जाता है। याद रखिए, ये रिप्ट दोस्तों थोड़ी ऊपर न निकले, आपने इनको अच्छे से थोड़ा यहाँ पर दबा देना है, ताकि ये पीछे किसी पर भी टच न करें। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो तीन क्लच प्लेट है इनको बीच में रखना है बड़े वाले कट में, और जो इसका छोटा कट है यहाँ पर ये हमने दोस्तों इसको एक प्लेट के इसके अंदर
डाल देना है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको फिट कर देना है, और यहाँ पर ये आपको हल्की सी भी प्ले देखने को नहीं मिलेगी आगे पीछे की, सिर्फ इसमें माइनर सी प्ले होती है ताकि यहाँ पर प्लेट जो है अच्छी तरह से फ्रिक्शन फ्री रहे, जब हम क्लच को दबाएं तो ये अपना पूरी तरह से काम करते रहे, इनके अंदर बाहर ये होती रहे क्लच के दबाने पर। तो यहाँ पर ये दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके अंदर इसको फिट कर देना है। अब मैं आपको इसको बाद में फिट करके बाइक को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कैसी इसकी साउंड बनी है कैसी नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि इसके अंदर जो है हमने क्लच हाउसिंग चेंज की है, और देखिए जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब देखिए हम बाइक को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं तो इससे जो है अंदर से खट 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 की आवाज़ आती रहती है, खट खट, इससे जो है इसका इंजन साउंड करता रहता है, और जैसे ही हम इस क्लच को दबाते हैं तो इसकी साउंड कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके दो रीज़न होते हैं, सबसे पहला रीज़न तो देखिए दोस्तों यही होता है, जो क्लच का जो हाउसिंग होता है उसके अंदर जो कट होते हैं और वो वहाँ पर चलो कट तो लग जाते हैं और हम वहाँ पर देखिए रेती से ना उसको खासा घिसा देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ देना भाई इसको, तो देखिए ये यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका हाउसिंग है, तो यहाँ से ये कट लगे हैं तो हम इसको मान लो यहाँ से घिसा देते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर काफ़ी गैप बन जाता है जिसके चलते जो क्लच प्लेट होती है यहाँ पर आगे पीछे ये इसमें देखिए छटका मारती रहती है, जिसके चलते ये बाइक ना और ये खट खट की साउंड करती रहती हैं। तो ये आपने याद रखना है इसका, ये दोस्तों फ़र्क पड़ता है। तो अब देखिए हमने इसके अंदर ये चेंज किया है, तो मैंने आपको करके दिखाया है कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आपको ये ना लगे कि इसके अंदर ये साउंड रह चुकी है। भाई ये बाइक जो है काफ़ी पुरानी है, कम से कम 2001 मॉडल है, और मैंने इसका इंजन दोबारा से रिपेयर किया है, तो भाई इसका मैंने टोटल जेन्युइन काम किया है। तो अब मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ इसको, तो भाई आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, देखो भाई आप इसकी साउंड सुन लो, आपको यहाँ से कुछ भी ऐसी साउंड इंजन की नहीं आएगी कि इंजन के अंदर से कोई किसी तरह की साउंड है, और मेन बात मैंने इसका इंजन किया है इसके अंदर से आपको किसी तरह की कोई नॉइस भी नहीं आ रही होगी। तो अब देखिए मैं इसके जो है थोड़ी एक्सेलेटर को देता हूँ, तो अब देखिए जैसे कि मैं एक्सेलेटर देता हूँ, तो देखा आपने, तो आप जो है इसकी साउंड सुन सकते हैं। तो एक बार और मैं देखिए यहाँ पर एक्सेलेटर देता हूँ, तो आपने इसकी साउंड सुनी, जैसे मैं एक्सेलेटर देता हूँ तो यहाँ पर कोई किसी तरह की खटखट की साउंड नहीं है, क्योंकि अब हमने जो है इसके अंदर ये HF डिलक्स वाला यानी कि स्प्लेंडर प्रो वाला इसके अंदर ये क्लच हाउसिंग डाला है। तो याद रखिए दोस्तों आपने जो है इसके अंदर ये वाला जो हाउसिंग होता है ये नहीं डालना जो पुराने मॉडल वाला है, इसके अंदर जो मैंने आपको रीजन दिखाया वो भी आप दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लेना उस पॉइंट को, ताकि आपको फ्यूचर में ये याद आए। तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ पर डबल कट वाले का इस्तेमाल करना है। तो इससे यहाँ पर तीन प्लेट यहाँ पर चलेंगी और चौथी यहाँ पर चलेगी, जिसके चलते ये यहाँ से बहुत ही कम खटखट करने लगेगा, तो खटखट की दो साउंड बिल्कुल बंद हो गई ये आप सुन सकते हैं। तो अभी भी बाइक जो है बिल्कुल स्टार्ट है, तो अभी मैं आपको एक बार और इसके एक्सेलेटर देके दिखाता हूँ। तो देखो भाई इसका इंजन का आपको स्टार्ट हुई का पता नहीं लग रहा होगा कि इसका इंजन स्टार्ट है, तो देखिए इंजन के अंदर से सिर्फ बिल्कुल साइलेंट आवाज़ आनी चाहिए, और इसके अंदर से सिर्फ जो इसका साइलेंसर है उसकी ही साउंड आनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों कोई भी बाइक होती है उसकी सिर्फ साइलेंसर की ही साउंड आनी चाहिए जो होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने ओल्ड साइलेंसर का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर ये हम न्यू मॉडल वाला लगा देंगे तब इसका ये स्टार्ट हुई कभी हमें पता नहीं लगानेगा कि ये स्टार्ट है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अगर दीजिए आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।